What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. अब तक तो आप इस पिक्चर को पहचान ही गए होंगे. जिसको पता है सही बात है, जिसको नहीं पता उसको एक बार बता देता हूँ. नाम है प्रिया प्रकाश वारियर. ये एक मलयालम सिनेमा की हीरोइन है और इनको 3-4 दिन के अंदर अंदर जितना इनको फेम मिला है आज तक किसी को नहीं मिला है. 3-4 दिन के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई है ओनली 28 सेकंड की वीडियो की वजह से. और उस 28 सेकंड की वीडियो में क्या राज है, इनको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देने के लिए बोला जाता है और ये ऐसा एक्सप्रेशन देती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है. जब इनका इंटरव्यू सुना था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली. जब इंटरव्यू इनका सुना था तो उस टाइम पर पता चला कि इनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों ने इस सीन के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी, तो इन्होंने बोला नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की थी. डायरेक्टर ने बोला बस ऐसा करना है और हम लोगों ने बस नेचुरल वे में उसको किया और वो अच्छा निकल गया. ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या बात देखने को मिलती है, यहां से आप लोगों को यह बात सीखने को मिलती है कि अगर आप लोग कोई भी काम करते हैं अपनी नेचुरलिटी में, किसी को कॉपी मार के आप लोग काम नहीं करते हैं, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान कर आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. इनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इनको इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना फेम इनको मिल जाएगा रातों ही रातों, ये इतनी बड़ी हीरोइन बन जाएगी. पर लेकिन क्या था, वो बस एक नेचुरल सीन था जो कि 28 सेकंड का था जस्ट ओनली. आप लोगों ने देखे 28 सेकंड ओनली, मूवी तो बहुत बड़ी बात होगी. 28 सेकंड ने इनकी लाइफ सेट कर दी पूरी. इतने ज्यादा फॉलोवर हो गए इनकी एक मतलब एक आज के डेट में ये जो सबसे ज्यादा सर्च करने वाली एक्टर्स है हमारी कंट्री में उनसे भी ज्यादा पहुंच गई है. तो इस तरीके से होता है अगर आप लोग अपनी नेचुरलिटी में रहते हैं तो. और अगर किसी को कॉपी करके आप लोग आगे बढ़ते हैं और किसी की कॉपी कर करके उसको नकल करने की कोशिश करते हैं, कभी भी किसी दूसरे के जूते में अपना पैर फिट करने की कोशिश नहीं कीजिए. अपना खुद का एक साइज है आपके जूते का, अपना खुद का अपने आप बनाइए. अपना जो आपका क्या लाइफ होनी चाहिए खुद से डिसाइड कीजिए, ना कि किसी के जूते में, किसी के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए. कभी भी सीखना चाहिए दुनिया से, पर लेकिन अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए. इसको कहते हैं एक नेचुरलिटी. अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं तो आप लोग अच्छे से अच्छा मुकाम आप लोग हासिल कर पाएंगे. पर लेकिन अगर किसी को देख देख कर आप लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी आप लोगों को अच्छा मुकाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी एक अलग नेचुरलिटी है, आपकी अलग स्ट्रेंथ है और सामने वाले की अलग स्ट्रेंथ है. तो कोशिश कीजिए अपनी नेचुरलिटी में रहिए और फिर देखिए लाइफ को जीने में कितना मजा आता है और आप उस काम को इंजॉय भी कर पाएंगे. ओके, 15th of February है, देख लेते हैं. नैनो मैगजीन के तहत हम लोगों को ऑल इंडिया रेडियो डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आप लोगों को PIB की न्यूज देखने को मिलेगी. इसके अलावा आप लोगों को योजना मैगजीन, कुछ करंट अफेयर के और भी टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे. जो कुछ आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो कल क्वेश्चन मैंने दिए थे उनके आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे. तो काफी शानदार हम लोगों का डिस्कशन रहने वाला है. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ी हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या 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 है आज की करंट की, थोड़ा उन पर पहले नजर डाल लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी 3 डे की विजिट पर हमारी कंट्री में आने वाले हैं. आज से उनकी विजिट स्टार्ट होने वाली है, तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. आगे देखेंगे किस तरीके से उनकी विजिट है, आगे जैसे भी होगी हम लोग डिस्कस करेंगे. पाकिस्तान के जो बैक टेररिस्ट था उसने अभी आप लोगों को देखने को मिला जम्मू कश्मीर में अटैक किया, हमारे कई सारे जवान भी वहां पर शहीद हुए, तो उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. यहाँ पर US ने वॉर्न किया है यहाँ पर पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को कि इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग करना छोड़ दीजिए वरना बहुत खतरनाक साबित होगा आपके लिए आगे आने वाले टाइम में. नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए इंडिया को आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जो रैंक है यहाँ पर ODI में इंडिया ने फिर से अपनी रैंकिंग यहाँ पर बरकरार रखी है. नंबर 1 की रैंकिंग पर हम लोग पहुंच गए हैं. इंडिया और साउथ अफ्रीका की आप लोगों को पता है सीरीज चल रही है यहाँ पर, तो उसको जीतने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडिया की रैंक जो है यहाँ पर टॉप पोजिशन पर पहुंच गई है. तो दो सेलिब्रेशन हो गए यहाँ, तो एक तो सीरीज जीत गए और दूसरा नंबर 1 पोजिशन पर पहुंच गए. ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने भी साउथ अफ्रीका को बीट कर दिया है. ये भी काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग मैन के क्रिकेट को तो सेलिब्रेट करते हैं पर वुमेन क्रिकेट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसको भी हमको सेलिब्रेट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है ला पैनल के द्वारा. देखिए BCCI जो कि हमारी कंट्री में हाईएस्ट बॉडी है जो कि क्रिकेट को टैकल करती है यहाँ पर, इसके अंदर चाहे आप लोग देखते हैं जो वनडे क्रिकेट हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट हो सकता है या फिर आप लोग देखते हैं IPL के क्रिकेट भी. जब बात आती है यहाँ पर इसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए जस्टिस लोधा की कमेटी सेटअप की गई थी जिसके बेस पर यहाँ पर कई सारी रिकमेंडेशन भी दी गई थी. पर लेकिन अब बात की जा रही है इसको RTI के अंदर ला देते हैं, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन. अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ला देते हैं तो कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इनसे मांग सकता है और इनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी इस तरीके से बन जाती है तो. RTI एक्ट आप लोगों को पता है 2005 से हमारी कंट्री में वर्क कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पावर दे दी गई हमारी कंट्री में सिटीजन के हाथ में, जिसके तहत वो कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल से ले सकता है. ओके, कई बार बात चलती है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी RTI के अंडर में लाने की, पर लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी नाट जाती है, वो मना कर जाती है, वो कहते हैं कि हमको इसके अंडर में नहीं आना है. ठीक है, वो अलग इन्फॉर्मेशन है, पर BCCI के ऊपर अभी बात चल रही है. देखिए अगर आते हैं तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी. जापान के लिए बुरी खबर है यहाँ पर. जापानीज स्पीड स्केटर यहाँ पर नाम है कैई साइतो,
आप लोग देख सकते हैं इनको क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया विंटर ओलंपिक से। विंटर ओलंपिक जो गेम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस गेम में थे ये, इस गेम से इनको सस्पेंड कर दिया गया। और विंटर ओलंपिक आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर चल रहे हैं, साउथ कोरिया में अभी विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। बहुत ज्यादा न्यूज थी इससे रिलेटेड, जब से विंटर ओलंपिक चले तब से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशन भी काफी अच्छे हो गए हैं। इससे पहले दोनों के रिलेशन काफी खतरनाक हुआ करते थे, और तब से लेकर यूएसए भी कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ में अपने रिलेशन अच्छे बनाने की बात कर रहा है। आप लोग थोड़ा मैप में भी इसको निहार सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो मैप में आप लोगों को समझ में आएगा दोनों के रिलेशन। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया नॉर्थ कोरिया और ये हो गया साउथ कोरिया, तो काफी दोनों के बीच में लड़ाई रहती है। और खासकर अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में एक यूएस का बेस भी रहता है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और चाइना वैसे सदमे में रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर लड़ाई होने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर यूएसए का है। और ऊपर से जापान पड़ोस में ही है और चाइना आप लोग जानती है, ये हो गया ईस्ट चाइना सी, आप लोग देखते हैं ये येलो सी हो गया साउथ चाइना सी, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये पोर्शन भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा मैप को आप लोग साथ में निहारते रह कीजिए ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट न्यूज भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 8% का ग्रोथ देखने को मिला है हमारी कंट्री में जो टूरिस्ट होते हैं अराइवल में, तो जनवरी में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जनवरी अभी जो जनवरी गई है, अभी फरवरी चल रही है और आज 15 फरवरी है, तो जनवरी का एस्टिमेशन लगाया गया यहाँ पर 8% टूरिस्ट हमारी कंट्री में ज्यादा आए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इस मंथ में अगर देखा जाए, मतलब 2017 के अगर जनवरी में देखा जाए, तो उससे ज्यादा है अब की बार 2018 के जनवरी में 8% लगभग ज्यादा है हमारे यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। यहाँ पर मोर देन 10 लाख फॉरेन टूरिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जनवरी में इंडिया में विजिट किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है अगर कोई टूरिस्ट बाहर की कंट्री का हमारी कंट्री में विजिट करने आता है। ओके, तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, अब आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने आर्टिकल्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों पहले अभी यूएई की विजिट से कंट्री में वापस आए हैं, तो काफी अच्छे हमारे रिलेशन है, कई सारे वहां पर इनॉग्रेशन देखने को मिले आपको, देखने को मिलेगा फर्स्ट हिंदू टेंपल भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिला। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या बात चल रही है यहाँ पर, अब चल रही है यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट देख लेते हैं, फिर आप लोगों को उमंग ऐप और यहाँ पर एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड के बारे में बताऊंगा। पहले एक बार आप लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में जान लीजिए। बात की जा रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो आप लोगों को एनुअल इवेंट देखने को मिलता है, ये कहां पर होता है, ये होता है दुबई में, यूएई में, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और जो ये स्टार्ट किया गया था 2013 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब की बार की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये अब की बार 6th है, ठीक है ना, इससे पहले 5 कंप्लीट हो चुके हैं। इवेंट कहां पर होता है, इवेंट आप लोग याद रखते हैं हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई में यूएई में, यहां पर ही हमेशा होता है, इसलिए आप लोग याद रखते हैं कहीं दूसरी जगह नहीं होता है, हमेशा यहीं पर ही होता है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि देखिए वर्ल्ड के लीडर जो आते हैं यहां पर, वर्ल्ड के लीडर या फिर इनोवेशन या फिर अलग अलग फील्ड से यहां पर एक दूसरे के साथ में आकर नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट वो चला रहे हैं अपनी कंट्री में, आकर एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं क्या क्या कहां पर प्रॉब्लम है और फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी नया इनोवेशन कर सकते हैं, अलग अलग एरिया में फोकस कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड के लीडर यहां पर आते हैं, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं पॉलिसी मैटर पे, प्राइवेट सेक्टर, हर एक एरिया पे डिस्कस किया जाता है यहां पर, और फ्यूचर में क्या क्या, इस फ्यूचर में किस तरीके से हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस तरीके से हम लोग एक वर्ल्ड में हार्मनी बना सकते हैं, उस पर फोकस दिया जाता है यहां पर इस समिट के तहत। तो काफी शानदार आप लोग ये बोल सकते हैं, यहां पर कहीं ना कहीं एक हार्मनी बना के चली जाती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि हम सब लोग मिलजुल कर यहां पर रह सकें। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये है क्या। आइए अब देखते हैं आर्टिकल में क्या बात की गई है। अब देखने को मिला आप लोगों को यहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही थी, तो यहां पर हमारा उमंग जो ऐप था उसको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस का अवार्ड दिया गया है। आखिर ये है क्या, ऐप क्या काम करता है, ये मोबाइल ऐप है जो कि यूनिफाइड करता है, जो कंबाइन करता है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट को और अलग अलग सर्विसेज को, तो बहुत सारी सर्विसेज और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जो बातें हैं वो आप लोगों को सिंगल इस ऐप पे मिल जाएंगी। कई सारी सर्विसेज आप लोग एक जगह इकट्ठा यहां पर फैसिलिटेट कराई गई है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन को आराम से सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एम गवर्नमेंट यहां पर अवार्ड दिया गया है, तो यहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे सिटीजन को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा आधार कार्ड भी, एक्सेसिबल गवर्नमेंट कैटेगरी में आधार कार्ड को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा बेस्ट सर्विस अवार्ड यहां पर दिया गया है। आधार कार्ड भी आप लोगों को, जो आधार कार्ड जो इतना ज्यादा न्यूज में रहता है और हमारी गवर्नमेंट बार बार कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि आधार कार्ड को अलाउ करने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि अभी इसको कंपलसरी नहीं करना है, तो वो भी यहां पर उसको भी अवार्ड यहां पर दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो बेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में इसको बोला गया है यहां पर, आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर हमको गेस्ट ऑफ द ऑनर कंट्री हम हैं, यहां पर स्टेटस जो हमको दिया गया था गेस्ट ऑफ द ऑनर था हमारे यहां पर, मतलब ऐसे नहीं है जैसे नॉर्मल कंट्री के रूप में हम लोग गए, यहां पर हम गेस्ट ऑफ द ऑनर कंट्री के रूप में हम लोग यहां पर थे।
आधार कार्ड प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, जो हमारी कंट्री में हर एक इंसान के पास में आधार कार्ड है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक इनेबल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है ये। मतलब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, बायोमेट्रिक का मतलब होता है आप लोगों की आंखें स्कैन की गई, यहाँ पर आप लोगों के फिंगरप्रिंट स्कैन किए गए, तो आप लोगों का जो डेटा यहाँ पर रखा गया है, तो वर्ल्ड में आज तक किसी भी कंट्री के द्वारा इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है। और आज के डेट में हम इसको यूज करते हैं कहाँ पर, इनकम टैक्स के लिए, पासपोर्ट के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, अलग अलग सर्विस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और 1.2 बिलियन सिटीजन को प्रोवाइड कराने की बात की गई है अब तक आइडेंटिफिकेशन, जो आधार कार्ड है ये, तो इतनी बड़ी सर्विस आज तक वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं हुई है, तो इसलिए भी इसको काफी इंपोर्टेंट यहां पर माना जा रहा है। तो इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पर थाम के चलती है। तो 6th एडिशन था यहाँ पर, अभी देखने को मिलेगा इनॉग्रेल एड्रेस जो यहाँ पर दिया गया था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। 6th एडिशन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, और 140 कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इवेंट में, तो 140 कंट्री में हम लोगों ने इस तरीके का अवार्ड जीते हैं, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। उमंग ऐप के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब घर बैठे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन, PRPF, ये सारी चीजें आप लोग सरकारी सेवाएं अपना इस ऐप से ही सारी प्रोवाइड कराई जा सकती है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि बात कर रहा हूं मैं उमंग ऐप की। हाँ, आप लोगों ने देखा आपका जो हमारा बजट रहा वो एग्रीकल्चर पे काफी फोकस देने वाला था, इसलिए एग्रीकल्चर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है और गवर्नमेंट काफी फोकस देकर भी चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है। रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, 17 ईयर यहाँ पर हो गए बायलेटरल रिलेशन में इंडिया और रशिया के साथ में, यहाँ पर बात की जा रही है सूरतगढ़ की। देखिए सूरतगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, पड़ता है राजस्थान में, और एरिया ऐसा पड़ता है जहां पर एक डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, थार डेजर्ट, ठीक है ना, जो आप लोगों को देखने को मिला, मरुस्थल देखने को वहां पर मिलता है। तो उस एरिया में किस तरीके से एग्रीकल्चर की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं इसको एग्रीकल्चर को उस एरिया में हेल्प करने के लिए यहाँ पर सेंटर, ये यहाँ पर सेंट्रल स्टेट फार्म ये स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर 1956 में, किसकी हेल्प से, USSR। आज की डेट में आप इसको रशिया बोलेगा, उस टाइम पे इसको USSR बोला जाता था, पर आज की डेट में इसके बहुत सारे विघटन होकर बहुत सारी कंट्री बाहर निकल गई और अब बच गया ये यहाँ पर रशिया। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेगा, रशिया ने उस टाइम पर हेल्प की थी हमको ये सेंटर डेवलप करने में, जिससे कि हम लोग एग्रीकल्चर भी इस वाले एरिया में अपनी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे जो कंट्री के हैं वह ये है गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और रशिया के काउंटर पार्ट भी, इनका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर कैटल ब्रीडिंग सेंटर भी खोला है, रशियन साइंटिस्ट हेल्प करेंगे यहाँ पर और फाउंडेशन बनाने में, ताकि हम लोग डेजर्ट में भी, मतलब हम मरुस्थल में भी यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके। और जब से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जब इस तरीके से एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है, फार्मिंग पे फोकस किया जाता है, तो उसे पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहता है, आसपास वाले एरिया में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, पंजाब वाले एरिया में भी काफी इंपैक्ट इसका देखने को मिला है इसी की वजह से, ताकि यहाँ पर जितना डेवलपमेंट इस वाले एरिया में रहा है। तो इस तरीके से 17 ईयर अगर हो जाते हैं किसी रिलेशन के, या फिर 70, 60, 50, या फिर इस तरीके का कोई भी डेट रहता है, तो उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। नॉर्मली आप लोगों ने भी एक कहावत सुनी होगी, कलम की ताकत बंदूक से ज्यादा होती है, कुछ ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है प्रसार भारती के चेयरमैन के द्वारा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल में, कि जो आप लोग अगर चाहते हैं कि सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, या फिर आप लोग देखते हैं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, इन सारे इश्यूज को आप लोग लिटरेचर के वेपन से थ्रू आप लोग यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करने की बात की जा रही है, रीजनल आर्ट और म्यूजिक प्रमोट करने की बात की जा रही है, ताकि सबके बीच में एक हारमनी बन सके। तो प्रसाद भारती के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है, जी हाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और SSC और बैंकिंग में तो कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसको सेटअप किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके पास किया गया था, तो मतलब क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। तो अब ये किसके किसके कौन कौन इसके अंदर आता है, तो दूरदर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वो इसी के अंदर आता है, ऑल इंडिया रेडियो जो आप लोग देखते हैं वो इसी के अंदर आता है, और आप लोगों को देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये दोनों जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में अलग से आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रसार भारती के अंडर में आते हैं, दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क भी पूरा का पूरा और ऑल इंडिया रेडियो भी, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पार्लियामेंट के द्वारा प्रसार भारती एक्ट पास किया गया 1990 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पर 1997 में यहाँ पर प्रसार भारती इसका गठन किया गया, हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए।
और इन दोनों एजेंसी को इसकी चाइल्ड एजेंसी भी बोला जाता है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ए सूर्य प्रकाश यहां पर चेयरमैन है और ए शशि शेखर यहां पर वमपति यहां पर सीईओ एमडी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कुछ बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, करंट चेयरपर्सन कौन है, इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एक मिनिस्ट्री के बारे में। तो बात की जा रही है कोल मिनिस्ट्री के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल तो आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पर पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल कैबिनेट मिनिस्टर हो गए पीयूष गोयल जी। तो कोल मिनिस्ट्री के द्वारा बात की जा रही है कि माइनिंग की कैपेसिटी, ये आप लोगों को देखने को मिलता है, कोयला किस तरीके से निकाला जाता है यहाँ पर आप लोगों को ये एरिया यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो माइनिंग की कैपेसिटी बताया जा रहा है हमारी बढ़ गई है, अगर देखा जाए तो लास्ट 3.5 साल में जब से यहाँ पर गवर्नमेंट आई है यहाँ पर बोला जा रहा है माइनिंग की कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। 11 मिलियन हुआ करती थी, 11 मिलियन से बढ़कर हो गई यहाँ पर 31 मिलियन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग लोगों 20 मिलियन का यहाँ पर बढ़ गया है और आने वाले टाइम में 2025 तक इसको और डबल करने की बात की जा रही है। तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में जो लाइट जनरेट की जाती है, बिजली जनरेट की जाती है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर कोयला। तो इसलिए आप लोगों को लिए पता होना चाहिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए और हमारी कंट्री की जो एनर्जी कैपेसिटी है कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है यहाँ पर कोयला। पर लेकिन आज के डेट में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, आप लोगों को पता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी, इन सब चीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू कोल के ऊपर। आप लोगों को पता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में फोकस दिया गया है किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस देना है, तो इसलिए यहाँ पर फोकस देकर चल रहा है। पर लेकिन कैपेसिटी डबल करने की बात की जा रही है आगे आने वाले टाइम में 2025 तक, ओके। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पता होनी चाहिए इसके बारे में भी। बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में, तो काफी अच्छे रिलेशन नॉर्मली माने जाते हैं, रोटी बेटी का रिलेशन माना जाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो नेपाल की जो विजिट पर थे हमारे इंडिया के जो आर्मी चीफ है बिपिन रावत जी, तो नेपाल की विजिट पर गए हैं और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 3 दिन की विजिट थी, इन्होंने यहाँ पर अटेंड किया है नेपाल आर्मी डे को, सेलिब्रेट हुआ था यहाँ पर ट्यूजडे में आप लोगों को देखने को मिला, स्पेशल गेस्ट थे यहाँ पर ये, और 25th एनिवर्सरी यहाँ पर मानी जाती है नेपाल यूनिफिकेशन की। तो नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पर बुलाया जाता है, ये एक ट्रेडिशन है जो कि काफी लंबे पुराने समय से चली हुई आ रही है माना जाता है। ये पर्दी यहाँ पर दिखाती है कि कितने अच्छे रिलेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडियन आर्मी की 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, इसके अलावा आप लोगों को ड्रम बैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी वहां पर परफॉर्म करने के लिए गए थे और काफी शानदार तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिला। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे हैं। जब बात करते हैं नेपाल की, तो आप लोग यहाँ पर एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये नेपाल वाला एरिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बफर सेंटर का भी काम करता है ये चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। पर लेकिन कई बार नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, बोलता है कि चाइना की साइड में जाना है तो इंडिया में परेशानी हो जाती है, और जब चाइना को बोलता है इंडिया के साथ में जाके मिलना है तो चाइना को परेशान हो जाती है। तो कई बार ये यहाँ पर अपना चाइना इंडिया कार्ड प्ले भी करते हैं, चाइना से इंजॉय करने के लिए और इंडिया से इंजॉय करने के लिए, तो ये बातें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती है। यूएई जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये आप लोग यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ ओमान हो गया यहाँ पर, ये देख सकते हैं यूएई बात की जा रही थी, यहाँ पर दुबई आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आबू धाबी यहाँ पर पड़ गया, ये हो गया पर्शियन गल्फ। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा मैप को भी साथ साथ में निहारते रहा करें ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे चीजों को लेकर, ओके। तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आइए अब आगे चलते हैं। पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं हमारे, शाम को डेली 5 बजे आप लोगों को पॉलिटिकल लेक्चर देखने को मिलता है। कल हम लोगों ने नाल से डिस्कस किया जिसमें आप लोगों को देखने को मिला किस तरीके से गरीब तबका जो हमारी सोसाइटी का है हमको हम किस तरीके से उनको हम लोग न्याय प्रोवाइड कराने के लिए हमारी कंट्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है कि फ्री में भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बजाय फ्री में भी उनको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, वो पूरा लेक्चर हम लोगों ने देखा। आज शाम को आप लोगों को देखने को मिलेगा लोक अदालत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लोक अदालत क्या होती है, इसके साथ में आप लोगों को रिविजन करना है, रिविजन पे पहुंच गए हम 65 लेक्चर आप लोगों यहाँ पर आ गया है। बात की जा रही है यहाँ पर राजकीय लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है ना, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके बारे में, और यहाँ पर मैं कंपेयर भी आप लोगों करके दिखाया किस तरीके से यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या कंपेयर है। लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा, वीडियो के नीचे भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि मैं आज तक लिए हैं पॉलिटिक्स के, और बाकी के आप लोगों को स्क्रीन पर भी लास्ट में यहाँ पर लेक्चर पॉपअप होकर आ जाएगा, वहां जाकर भी आप लोग सारे लेक्चर पॉलिटिक्स के देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत के 4th एंड 5th एडिशन के हिसाब से सारे लेक्चर वहां पर डिस्कस किए गए हैं। रिविजन करते रहिए और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए, ओके। तो ये रिविजन है जरूर कीजिएगा इसका, जाकर जो साथ में कर रहे हैं उनको फायदा दिख रहा होगा, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट साथ में कर रहे हैं। और जब भी रिविजन किया कीजिए तो डन लिख दिया कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग रिविजन कर रहे हैं ढंग से, ओके। तो कमेंट बॉक्स में जाकर डन लिख दिया कीजिए जो भी लेक्चर का आप लोग रिविजन करते हैं, ठीक है। कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ वो एक अलग बात है, पर लेकिन कमेंट में एक एक पढ़ता हूँ, इस बात की आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, इस बात के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आज का आर्टिकल देखते हैं, योजना का क्या क्या आर्टिकल है यहाँ पे, उससे पहले आप लोगों को आर्टिकल से पहले आप लोग क्वेश्चन पता होना चाहिए।
आप हमारा आर्टिकल चल रहा है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हेल्थ में अगर देखा जाए इंडिया के बारे में, यहाँ पर अगर हेल्थ की कंडीशन हमारी कंट्री में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लो इनकम कंट्री है जैसे बांग्लादेश उनसे भी नीचे हमारी कंडीशन है। तो क्या रीजन है इसकी इस तरीके कंडीशन हमारी कंट्री की बनी हुई है, क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए ताकि हेल्थ की सिचुएशन हमारी कंट्री में सुधर जाए, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मली आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तीन तरीके की सर्विस आप लोगों को देखने को मिलती है। प्राइमरी सर्विस बोलते हैं, सेकेंडरी सर्विस बोलते हैं और टर्शियरी सर्विस बोलते हैं। तीनों तरीके की सर्विस में आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की सर्विस रहती है। प्राइमरी जो सर्विस आती है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये नीचे के लेवल पर रहती है, ग्राम के लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर हल्के से लेवल पर, ठीक है। कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेकेंडरी लेवल पर, और टर्शियरी लेवल पहुंच जाता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े। तो इस तरीके की सर्विस देखने को मिलती है। मैक्सिमम जो फोकस दिया जाता है गवर्नमेंट का, इन पे तो ज्यादा फोकस दिया जाता है, पर लेकिन प्राइमरी लेवल पर ज्यादा फोकस नहीं रहता है गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो। पर लेकिन अगर प्राइमरी लेवल पर ज्यादा फोकस देकर चलेंगे तो आप लोगों को पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब अगर बीमारी को होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर लें, मतलब कल को पता है हम लोगों को ये बीमारी होने वाली है, उससे पहले अगर हम प्रिवेंट करके चलें तो क्योर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब हम लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये भी फोकस देकर यहां पर चला जाता है। आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल में डिस्कस किया गया है हेल्थ फॉर ऑल। देखिए नॉर्मली अगर बेसिक हेल्थ की बात की जाती है तो प्राइमरी लेवल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, वहां पर कंडीशन जो होती है बहुत ज्यादा पुअर हम लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्मली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती है, पर लेकिन अगर बेसिक लेवल पर हम लोग प्रोवाइड करा दे रहे हैं बेसिक सर्विस, तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन का काम करती है। प्राइमरी केयर बहुत बेस्ट मानी जाती है, पर लेकिन हम लोग प्राइमरी केयर पर फोकस देकर नहीं चलते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये अनफिनिश्ड एजेंडा रहता है, डिस्कस तो हम लोग बार बार करते हैं पर लेकिन उस लेवल पर नहीं करते हैं जिस लेवल पर हम लोग दूसरी चीजें डिस्कस करते हैं, मतलब हम लोग डिस्कशन में भी कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं अगर बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की हमारी कंट्री में। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में प्रोवाइड कराई बेसिक सर्विस, और बेसिक सर्विस की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया से भी ऊपर है बांग्लादेश में हेल्थ सर्विस। अगर बात करें जिस तरीके से हम लोग एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, कभी भी आप लोगों को इलेक्ट्रोल का इशू नहीं देखने को मिलेगा यहां पर, मतलब इलेक्शन में कभी भी यहां पर हेल्थ का इशू डिस्कस नहीं किया जाता है। कोई नहीं कहता है कि हम लोग हेल्थ की सर्विस ये प्रोवाइड कराएंगे या वो प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि जो अभी का बजट आया 2018 का, उसमें थोड़ी बातें आप लोगों को देखने को मिली है, पर लेकिन फिर भी उतने ज्यादा लेवल पर आप लोगों को देखने को मिला, उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि बोल तो दिया है कि ये सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, पर लेकिन उसके लिए मनी कहां से आएगी उसके बारे में भी अब तक डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात की जाए 2015 के हिसाब से इनइक्वलिटी का जो रिजल्ट यहां पर निकल के आती है, मतलब क्या बात बोली जा रही है कि जो हमारा हेल्थ इंडेक्स होता है तो कहीं ना कहीं 24% जो हमारे यहां पर हेल्थ इंडेक्स का जो लॉस होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिला, कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बहुत सारा गरीब तबका है जिसको यहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, और बहुत सारा अमीर तबका है जो कि आसानी से इंजॉय कर पाता है। तो बहुत बड़ी इनइक्वलिटी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। यह हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूएनडीपी के द्वारा यहां पर तैयार किया जाता है, जहां पर इनइक्वलिटी की बात की जाती है। इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले नैनो मैगजीन्स में, आप लोग रिवीजन भी करते रह कीजिए, पहले आप लोगों को बता चुका हूं जिससे कि आप लोग क्लियर रहे चीजों को चल क्या रहा है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा बजट की फैसिलिटी। बजट की फैसिलिटी अब तक की, अब तो अब कर दिया गया, जो नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है उसमें तो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, पर लेकिन अब तक आप लोगों को देखने को मिलता है 1.5% ऑफ द जीडीपी यहां पर मुश्किल से खर्च किया जाता था, उससे भी बात कई बार तो इससे भी कम रह जाता था, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। लगभग 75% जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट से देनी पड़ती थी हर एक सिटीजन को, और आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं पॉवर्टी इतनी ज्यादा है हमारी कंट्री में, और एक हेल्थ भी एक इशू बन जाता था जिसकी वजह से पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही थी, क्योंकि हेल्थ की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी की गरीब सी फैमिली में कोई पर्सन, कोई इंसान बीमार हो जाता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़ती है कि वो हॉस्पिटल तक जाने की सोचता भी नहीं है। आप लोग कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा जो कई बार आसपास वाले एरिया में, गांव में खासकर जो गरीब होता है, कई बार इंसान क्या सोचते हैं कि कुछ बीमारी हो गई है तो इधर उधर से थोड़े बहुत नुस्खे खा पीकर काम चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी अर्निंग नहीं होती है कि जाकर यहां पर खर्चा किया जा सके, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, गरीबी और ज्यादा इसकी वजह से भी बढ़ती हुई नजर आती है हमारी कंट्री में। अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत सारी कंट्री, ब्राजील ले लीजिए, बोलिविया ले लीजिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें कई सारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी हुआ करती थी, पर लेकिन जब से इंश्योरेंस की बात की गई तो कहीं ना कहीं इनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा सुधरकर सामने आया। पर लेकिन जब हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं हम अपनी कंट्री में, तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर हेल्थ केयर सिस्टम पे फोकस किया ही नहीं जाता है, हमेशा सेकेंडरी और टर्शियरी की बात की जाती है। आप लोग देख सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी निकल कर आई, उसमें बात बोली जा रही है कि 2.5% ऑफ द जीडीपी जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका हम लोग खर्चा करने जा रहे हैं
किसमें? हेल्थ सेक्टर के ऊपर। पर लेकिन 2025 तक का टारगेट है ये, अभी खर्च नहीं करेंगे, 2025 तक का अचीव करने की इस टारगेट को बात की जा रही है। जबकि रिक्वायरमेंट क्या है, अभी की रिक्वायरमेंट है कि इसको अभी से इतना खर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए, पर टारगेट आगे का लगाया जा रहा है। और उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं प्राइमरी जो सर्विस सेंटर है उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है, तो उसके भी कई सारे रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है हेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर वेलनेस मतलब अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर एब्सेंट ऑफ द डिजीज के बारे में ज्यादा फोकस यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलता है, फोकस बात किया जा रहा है प्राइमरी केयर पे आप लोगों को देखने को मिलता है। खासकर पब्लिक सेक्टर का की रोल यहाँ पर रहता है जब प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। एडिशनली अगर देखा जाए 2% ऑफ द GDP रिक्वायर्ड रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, मतलब हॉस्पिटल्स क्रिएट करने के लिए, इक्विपमेंट रखने के लिए, दवाई रखने के लिए, सैनिटेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन उसके लिए भी बजट चाहिए। अगर बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी जब बात की जाती है तो यहाँ पर भी अलग से हेल्थ के बारे में फोकस किया जाता है। तो थर्ड जो गोल है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, टोटल 17 गोल है, 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेगा 2015 से 2030 तक इनको अचीव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर थर्ड आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा हंगर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू आ जाएगा, पॉवर्टी में भी हेल्थ का इशू आ जाएगा। तो ये तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर यहाँ पर हेल्थ अच्छा रहेगा तो ये सारी चीजें अच्छी रहेगी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी आप लोग हेल्थ में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हेल्थ पे फोकस किया जाए, तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर पाएंगे अगर हम लोग फोकस देकर चलते हैं। ठीक है, बात की जा रही है अगर इंप्लीमेंट करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो इंश्योर कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी आने वाले टाइम में, तो दोनों का कनेक्शन बनाकर अगर चलते हैं तो सॉल्यूशन निकल पाएगा। आई होप कि आप लोग को आर्टिकल समझ में आ गया। अगर आप लोग अब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा आप। ओके, आइए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। ये आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा, फिर इनका आंसर दीजिएगा। कल फिर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इनका आंसर दूंगा। इनको स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। कल मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो बात की गई थी सी बॉक्स के बारे में, इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को टॉपिक डिस्कस किया था। ये था क्या, सेक्सुअल हरासमेंट अगर वुमेन का वर्क प्लेस पे होता है तो किस तरीके से उसको हेल्प की जा सकती है, किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट यहाँ पर 2013 आप लोग देख सकते हैं, ये इसी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर वाल्सले लाइन के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए आखिर ये है क्या। ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा मैप में देखेंगे तो आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। ये एक लाइन आप लोगों को देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन जो है इससे अलग करती है ये। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पर समझ पाएंगे ढंग से। दोनों तरीके से आप लोग देखते हैं, इस लाइन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार पास्ट में। तो क्या करती है ये, साउथ ईस्ट एशिया को यहाँ पर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है ना, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है हमारा उसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। 2018 का जो वर्ल्ड रेडियो डे था उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी रेडियो एंड स्पोर्ट्स। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, तो ये इन क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों कितने यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए और कितने आप लोगों को आंसर यहाँ पर मिल पाए, कितने आप लोगों ने मार्क्स गेन किया। पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अपना स्कोर बताइएगा जरूर। ओके, और बाकी का जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेली, मैंने आप लोगों को बोला भी था जिस तरीके से आप लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलते हैं उसके साथ में डेली अपना एक क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो पोस्ट कर रहे हैं पर बहुत सारे स्टूडेंट अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। जो स्टूडेंट्स लापरवाही बरत रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना क्वेश्चन पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, डेली देखते ही देखते आप लोगों का एक क्वेश्चन तैयार हो जाया करेगा। और इसके अलावा अपना खुद का तो क्वेश्चन तैयार होएगा ही होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना सारे और भी क्वेश्चन है उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या डिस्कस किया। तो हेल्थ फॉर ऑल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला किस तरीके से हेल्थ को सुधारने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, और तीनों लेवल पर हम लोगों ने हेल्थ के बारे में बात करी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी जाना। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला रिविजन का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और शाम को आप लोगों को लोक अदालत देखने को मिलेगी, तो 5 बजे आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने जाना यहाँ पर किस तरीके से बात की जा रही थी प्रसार भारती के बारे में, डिटेल में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जानी कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंदर रहता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों को इसका बताना चाहिए 70 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोगों ने उमंग ऐप और यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में जाना, आप लोगों को उमंग ऐप के बारे में जानने को मिला, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर जाना कोल माइनिंग के बारे में, उसको डबल करने की बात की जा रही है 2025 तक, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा जो हमारे
जो हमारे आर्मी चीफ है बिपिन रावत जी, वो नेपाल की विजिट पर थे और वहां पर आप लोगों को कई सारी बातें देखने को मिली। इसके अलावा हम लोगों ने काफी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। ईरान के जो प्रेसिडेंट है इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं, जब पाकिस्तान को वॉर्न किया यूएसए ने, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला इंडिया ने क्लिंच कर लिया है ये वाला वुमेन के बारे में जाना, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गेम के बारे में हम लोगों ने थोड़ा यहां पर जाना। ये थे आप लोगों के लिए क्वेश्चन और ये थे आप लोगों के जो कल को मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर। और मैप में हम लोगों ने ये भी देखा, ये लाइन हम लोगों ने देखी जिसका नाम है वाल से लाइन, तो इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे वीडियो के जस्ट नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी करंट अफेयर की न्यूज आप लोगों को मिल जाएंगी, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पर भी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती है, चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और प्लास्टिक कम से कम यूज कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।